नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीजेपी में शामिल होने को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय लिया था। अब प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने शनिवार को अपना छिंदवाड़ा दौरा रद्द किया और भोपाल होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनके साथ उनके सांसद बेटे नकुलनाथ भी दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरे को लेकर प्रदेश की राजनीति में भूचाल आ गया है। दिल्ली में शनिवार से भाजपा का राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू हो रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत प्रदेश भाजपा के कई बड़े नेता दिल्ली में हैं। राजनीतिक सूत्रों का दावा है कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ ने शुक्रवार को अपने समर्थकों के साथ बैठक की। उनसे भाजपा में जाने को लेकर रायशुमारी की गई। इसके बाद उनके भाजपा में शामिल होने की संभावनाओं को बल मिल गया है। पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन नेताओं से बात की है उनमें गोविंद राय, विश्वनाथ ओकटे, दीपक सक्सेना और सुनील जायसवाल के साथ अरुणोदय चौबे और रामू टोकाम एवं अन्य नेता शामिल थे। इन नेताओं के साथ बंद कमरे में चर्चा के बाद अटकलों का बाजार गर्मा गया है कि कमलनाथ और उनके सांसद बेटे नकुलनाथ साथ में भाजपा में शामिल होने वाले हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ का करीब 45 साल का राजनीतिक जीवन है। कमलनाथ को पहली बार छिंदवाड़ा से 1980 में लोकसभा का टिकट दिया गया था और चुनाव जीतकर वे सांसद बने थे। वे 9 बार छिंदवाड़ा से सांसद चुने गए हैं। तो यह थी आज की खबरों की खबर। जुड़े रहिए खबरी के साथ, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नजर। नमस्कार।